हे गाइस, अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं। मेरे बगल में एक अंकल बैठे हुए हैं और इधर पर है गोलू भैया और रजनीश भैया और पीछे बाबा जी रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको। हाँ, बहुत आदमी लोग हैं पीछे भागने वाली। हाँ, मेरे सीट के जस्ट पीछे एक अंकल आंटी बैठे हैं, वो लोग भागलपुर से ही है। नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, हेडफोन में कर जाएगा काम। अभी एक सेकंड बाहर का दिखा, अंकल ही सही है, अंकल हैदराबाद। बताइए अंकल, आप अपना एक्सपीरियंस। वेरी नाइस, अच्छा था, भीमशंकर दर्शन अच्छा हुआ। हाँ, छोटा सा इसके पहले आप कहाँ कहाँ गए हो? मैं पूरा इंडिया पूरा घुमा मैं। ये एक नहीं देखा। हाँ, घुष्णेश्वर एक नहीं देखा। नासिक जा रहा हूँ, शिरडी, शिरडी टू हैदराबाद। सही है अंकल, अभी बताया अपना प्लान। पहले जाएंगे यहाँ से नासिक, फिर नासिक से शिरडी, शिरडी से फिर हैदराबाद। बेसिकली अंकल हैदराबाद से। क्या क्या बोलना, क्या बोलिए? अच्छा, एक सेकेंड बोलिए। तुम इस GoPro को कितने साल बाद निकाले हो? एग्जैक्टली एक महीना बाद। सिर्फ झूठ और झूठ। दो साल बाद निकला है ये। कोई झूठ नहीं है, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है इसीलिए लोग मजाक उड़ा रहा है। आप लोग जल्दी से 1000 पुराइए। 2 साल बाद इसका ये डब्बा लंच बॉक्स से निकला है। आपका कौन सा चैनल है? मेरा कोई चैनल नहीं है, हमारे फ्रीलांस है। अगर किसी को योगा सीखना है तो यहाँ संपर्क करें। सिखाना भी है, यहाँ सिखाना भी है, गिव एंड टेक है। रजनीश भाई का स्पेशल बना के हम डाल देंगे एक दिन। अग्री कर गए हैं, बोले तुम्हारे चैनल पे आ जाएंगे हम, कोई इशू नहीं है। तब से पहला ब्रांड प्रमोशन, बोले फ्री का वीडियो बनवा देंगे। ऐसे तो 5000 चार्ज करते हैं सबसे। मेरे लिए फ्री है। अभी थोड़ा सा पहाड़ से जब हम लोग नीचे उतरेंगे ना तो फिर उसका करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग। पीछे अंकल आंटी को थोड़ी देर बाद बोलूँगा कुछ बोलने के लिए, क्योंकि अभी जस्ट बस खुली है, पता नहीं वो लोग बोलेंगे अभी नहीं बोलेंगे। ऐसे बिना कैमरा के तो सही बात हो रहा था उन लोगों से। और कुछ बोलना अंकल? हाँ, अपने बेटे बेटी को कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, अंकल मना कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं बाहर का करता हूँ रिकॉर्ड। एक बार आप लोग को आगे का रास्ता दिखाता हूँ कैसा है पहाड़ के बीच से।
त्र्यंबकेश्वर ऐसे ही घूमने के लिए। मेरा एक फ्रेंड आ रहा था ना, जिसके बारे में सुबह बोल रहे थे, वो अभी आ रहा है, तो अभी बस उसी को लेने के लिए जा रहे हैं बस स्टैंड। वो आ रहा है मुंबई से, और ये रहा पीछे का। तो एक लड़का क्या बोल रहा है, बोलता है कि अरे इतना बड़ा ऑफिस नहीं है ना, तुम यहाँ शूट क्या करोगे? हम बोले तुम वही लोग को कर लेंगे, और क्या है, मंदिर इस साइड पड़ेगा, वो जो ग्रीन ग्रीन बैनर दिख रहा है इसीलिए। थोड़ा शरीर उरीर कम करते हैं, हम भी सोच रहे हैं थोड़ा रील उल बनाए। शरीर कम क्या कीजिएगा, फोन से क्या, हम तो बना ही देंगे। सैटरडे से दो दिन में गलत तीन दो दिन निकाल देंगे। कुछ मैनुअल करके उसको एक एक दिन पे अपलोड करते रहेंगे। इसका कैमरा 4K पे शूट करता है, फ्रंट बैक दोनों, और मतलब इसमें जैसे हाथ उठिलाएंगे ना। अच्छा वो तो मेरे फोन में नहीं है, फोन में तो मतलब इसका जैसे वीडियो कैसे हिलने लगता है ना, इसमें देखिए नहीं हिलता है कितना भी हिलाने। वो 14 में दिया है, यही सोच के तो 14 से लोग पता नहीं लाल बस है कौन सा बस है, उसको हम लोग एक ही तरीका से पहचान सकते हैं ना जी। हाँ कैसे, टोपी है कहाँ वो, अभी उसको फोन कर लेता। हेलो तुम कहाँ हो? कहाँ मंदिर का गेट भाई, तुमको बोले थे बस स्टैंड में ही रहने, कहाँ भाग गया है तुम? तुम्हारे आमने सामने क्या लिखा हुआ है, शिव प्रसाद करके कुछ लिखा हुआ है क्या? होटल लिखा हुआ है। अबे भाई उतना लंबा चौड़ा मत पर, कुछ लिखा हुआ अगल बगल, भोजनालय टाइप का कुछ दिख रहा है? अरे नहीं, स्टार होटल दिख रहा है। हाँ